हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे स्विमिंग करने के लिए। तो कल हमने जो आप बच्चे स्विमिंग करते हुए देखे थे, आज हम भी वहाँ स्विमिंग करने जाएंगे, क्योंकि कल हमारा मन हुआ था स्विमिंग करने का, पर कल हमें शादी में जाना था, इसलिए हमने कल स्विमिंग नहीं करी। पर आज हम घर पर फ्री बैठे हुए थे, इसलिए आज सोचा कि चलो स्विमिंग करने जाते हैं। तो मेरे साथ सागरदा है, अभिषेक भैया है, ऋषि है और उसका फ्रेंड भी है। तो इसने स्विमिंग करने के लिए एक ट्यूब भी लिया है साथ में, और उसमें एक दिक्कत है कि उसमें एक पंचर है। ए, देसी जुगाड़ है मेरे पास। तो अभी गाइज हम डैम पर पहुंच चुके हैं। तो आज यहाँ पे कुछ बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि उन्हें आज स्कूल था। तो अब हम यहाँ पे मस्त तैरेंगे, फुल एंजॉय करेंगे। और अभिषेक भैया यहाँ पे कपड़े उतार रहे हैं, रेडी हो रहे हैं अभिषेक तैरने के लिए, रेडी हो रहे हैं भाई। तो अभी अभिषेक भैया पानी में उतर चुके हैं और पानी बहुत ठंडा है। ट्यूब दे भाई को, और ट्यूब पे, अब ट्यूब पे बैठ जा ट्यूब पे। अरे बाप रे, अबे आप नहीं करोगे अरे ट्यूब किधर गया? गाइस बहुत ठंडा पानी यहाँ पे अंदर। अरे ट्यूब अरे पकड़ो। मैं चप्पल गिर रहा है, चप्पल गिर रहा है। टूट गई मेरी भाई। अरे भाई हमारी चप्पल यहाँ पे टूट गई है, पानी में नहीं जाती। देखो इसका क्या हाल हो गया, पूरी तरह टूट गई। इसमें हम उल्टा स्विमिंग करके देखेंगे, करते आता है कहीं। पानी बहुत ठंडा है। हे ऋषि, ट्यूब में हवा भरते हुए, क्योंकि ये जो इसने ट्यूब लाया था वो पंचर था, बार बार हवा भर रहा है लेकिन हवा उसकी कम हो रही है। पंचर तो हमारे खतरों के खिलाड़ी अभिषेक भाई ट्राई करते हुए जम के, बहुत बढ़िया। अरे भाई की ख्वाहिश अभी पूरी नहीं हुई, भाई को और एक जंप मारनी है। तो भाई और रेडी होते हुए जंप मारने के लिए, तो भाई जोर से, अरे 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 अरे, बजरंग बली की जय। तो भाई ख्वाहिश पूरी हो गई, कैसा लग रहा है आपको? फिर एक नंबर, मजा आ गया फुल। यहाँ कुछ बच्चे भी आज तैरने आ गए, क्योंकि इनकी स्कूल अब छूट चुकी है। तो अबे जंप मारने की ट्राई करते हुए ये छोटा सा बच्चा, ये बहुत ही मस्त जंप, हो ये तैरने में तो एक्सपर्ट है भाई, हमसे भी ये तैरने में एक्सपर्ट दिख रहे हैं हमको, क्योंकि हम ऐसे जंप नहीं मार सकते। देखते हैं सबसे पहले कौन टूब लाता है, सबसे पहले कौन टूब लाता है देखेंगे। अरे तो अभिषेक भाई का तैरना हो चुका है। तो अभिषेक भाई हो गया आपका तैरना, क्यों ज्यादा क्यों नहीं तैर रहे आप? भाई को मजा तो आ गया स्विमिंग का, नेचुरल स्विमिंग का, लेकिन इनका कुछ अभी हुआ नहीं तैरना। तो गाइस अभी हमारा तैरना तो हो गया है, तो अब हम जाएंगे ऋषि के घर पे और खाना खाएंगे और थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, फिर देखता है हमारा कुछ प्लान बनता है तो कहीं पर जाएंगे घूमने के लिए। तो
तो गाइस अब हम तैर के आ गए। तैर के आने के बाद हमने खाना पीना खा लिया और थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। तो उसके बाद हमारा प्लान बना कि हम जंगल में घूमने जाएंगे। वहाँ पे एक फेमस मंदिर भी है, वहाँ पे हम दर्शन करेंगे। और वो मंदिर ऋषि के गांव से कुछ 20 किलोमीटर दूर है। तो वो बोल रहा था चलो हम वहाँ पे थोड़ा घूमने जाएंगे, तो चलो चलते हैं फिर। तो आगे का रास्ता गाइस कुछ ऐसा कच्चा रास्ता है, तो गाड़ी हमें संभाल के चलानी पड़ेगी। अब कहीं गिर विर ना जाए हम, तो गाड़ी हमें थोड़ी संभाल के चलानी होगी। तो चलो चलते हैं। तो गाइस हम जंगल में एंटर कर चुके हैं और यहाँ से मंदिर कुछ अब कुछ ही दूर रहा है। तो जंगल देखे वो आपके सूखा पड़ा है, हम ऐसा लग रहा है कि हम किसी भूतिया जगह पे आ चुके। दिखाओ ना भाई जंगल, दिखाओ ना कुछ ऐसा लग। दमन दमन सोबत 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 हाँ जाए जी। तो अभी गाइस हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कितनी शांति है देखो, हमें पक्षियों की भी आवाज यहाँ पे सुनाई दे रही है जो कि यूजुअली कहाँ पे सुनाई नहीं दी। बहुत ही शांति है यहाँ पे। तो गाइस हम जा कर रुके ये आश्रम है और मेन मंदिर वहाँ पे ऊपर है। तो हम अब थोड़ा आश्रम जाएंगे, घूमेंगे थोड़ा और फिर मेन मंदिर पे जाएंगे। यहाँ पे गौ माता की सेवा भी होती है, तो चलो आपको दिखाते हैं थोड़ा। गणपति बप्पा और यहाँ पे गौ माता की पूरी सेवा हो रही है, गौशाला। डॉगी के कितने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे, और इनके लिए खाना पानी यहाँ पे रखा हुआ है सब, छोटे छोटे आम है पेड़ पे अभी। तो चलो भाई चलते हैं मेन मंदिर की तरफ। ये रही सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। बंदर देखो पेड़ पे कैसे मस्त उछल रहे। उतर रहे पड़छिन ए गिरेगा वहां से नीचे। उतर पड़छिन पड़छिन खाली उतर। तो गाइस हमने बहुत सारे मंदिर में ऐसी बहुत सारी घंटी देखी, लेकिन ऐसी अनोखी घंटी हमने आज तक नहीं देखी, क्योंकि ये घंटी जो है ना एक बार बजाने से बहुत देर तक इसकी आवाज आती है। तो मैं आपको ये बजा के दिखाता हूँ। गाइस अब हम जाएंगे ऊपर के ऊपर पहाड़ पर, तो वहां से रास्ता है ऊपर जाने का। तो चलो चलते हैं ऊपर, चढ़ने में बहुत मजा आएगा ऊपर जाने में। तो गाइस यहाँ पे देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है और यहाँ पे इनका फोटो शूट चल रहा है। सागर द्वारा ऋषि की फोटो खींच रहे और ऋषि पोज देते हुए, देखो देखो कैसे देख रहा है, कैसे पोज दे रहा है, कैसे पोज दे रहा है।
और गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो अभी हमने बहुत सारा फोटो शूट किया है, तो अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। हम उधर से आए थे और इधर से नीचे उतरेंगे, तो चलो चल, तो नीचे उतरते हैं। चलो यहाँ से उतरना मतलब मौत को टक से छू के आना। तो अभी सब यहाँ से नीचे उतर रहे। यहाँ से रास्ता देखो नीचे उतरने का कैसा है, तो बहुत ही हार्ड है। तो अभी हमारा फोटो शूट हो गया है, यहाँ पे घूमना घूमना सब हो गया है, यहाँ पर हमने सब एक्सप्लोर किया है। तो अब हमारे मोबाइल में भी चार्जिंग कम है, तो हम जाएंगे ऋषि के घर की तरफ। तो हम रास्ते में अब कुछ शूट नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे हमें टाइम मिला तो हम वहाँ मोबाइल चार्जिंग पर लगा देंगे और फिर थोड़ी देर बाद हमारे घर की तरफ भी जाएंगे। तो अब हम निकल रहे हैं ऋषि के घर की तरफ। चलो घर चलते। तो आज के ब्लॉग में आपने देखा कि हम स्विमिंग करने गए थे, उसके बाद फिर हम मंदिर में गए थे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आप ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।